हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी स्ट्रीट स्टाइल चना दाल नमकीन की चाट। तो इस चाट को बनाने के लिए यहाँ पर मेरे पास है चने की दाल की नमकीन, जो कि मार्केट में इजीली मिल जाती है। यहाँ पर मैंने एक कप चने की दाल की नमकीन ली है। यहाँ पर मैंने एक बड़े टमाटर को फाइन चॉप कर दिया है और इसके बीज निकाल दिए हैं, और एक बड़े प्याज को मैंने फाइन चॉप कर दिया है। कटा हुआ धनिया लेंगे, हरी मिर्च, तो मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लें, और आधा कटा हुआ नींबू। और अब बनाएंगे चाट। तो चाट को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है। इसमें सबसे पहले ऐड करेंगे चने की दाल की नमकीन, इसमें ऐड करेंगे फाइन चॉप किया हुआ प्याज, अब इसमें ऐड करेंगे फाइन चॉप किया हुआ टमाटर के बीच मैंने निकाल दिए हैं। अब इसमें ऐड करेंगे एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा ले सकते हैं। तो यहां पर मैं ऐड करूंगी 1/4 टेबलस्पून चाट मसाला पाउडर। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, नहीं भी डालेंगे तो भी इसके टेस्ट में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसमें ऐड करेंगे 1/4 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जिससे बहुत अच्छा कलर आएगा। इसमें ऐड करेंगे बिल्कुल थोड़ा सा नमक, क्योंकि हमारी नमकीन जो है उसके अंदर भी नमक है, तो नमक आप बिल्कुल थोड़ा सा ऐड करेंगे। इसमें ऐड करेंगे बिल्कुल बारीक कटा हुआ धनिया, और आधा नींबू का जूस डालेंगे इसके अंदर। और इन सभी चीजों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो चना दाल नमकीन जो है, इसकी चाट बहुत ही बहुत टेस्टी बनती है और खाने में बहुत यमी लगती है। जब भी आपका कुछ चटपटा खाने का मन करे तो आप इस तरीके से इस नमकीन को जरूर ट्राई करें। वैसे तो चने की दाल की नमकीन खाने में वैसे ही टेस्टी लगती है, लेकिन अगर आप उसको इस तरीके से बनाकर खाएंगे तो ये और भी टेस्टी और डिलीशियस लगती है। बनाने में तो ये सुपर इंस्टेंट और सुपर इजी है। चना दाल नमकीन चाट बनाते हुए ये ध्यान रखें कि जब भी आपने इसको खाना हो तभी आप इसको रेडी करें, आप इसको बनाकर तुरंत ही सर्व कर दें, नहीं तो ये थोड़ी सी सौगी हो जाती है। इसको बनाएं और एकदम से सर्व कर दें। तो हमारी चना दाल नमकीन चाट बिल्कुल रेडी है। इस तरीके से इस चाट को आप जरूर ट्राई करें, खाने में ये बहुत ही डिलीशियस लगती है। बहुत अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर दिया है और अब इसको सर्व कर देंगे, ये देखिए। तो जब भी आपका कुछ चटपटा खाने का मन हो तो आप इस तरीके से इस दाल की चाट को जरूर ट्राई करें, बहुत ही यम्मी लगती है। ये देखिए, मैंने इसको सर्व कर दिया है और बच्चे इसको बहुत ही खुश होकर खाएंगे। इस तरीके से आप बाकी दाल की जो नमकीन होती है उसकी भी चाट बना सकते हैं, जैसे कि मूंग की दाल की चाट बना सकते हैं, और जो व्हाइट वाले चने आते हैं उनकी भी आप बनाकर खा सकते हैं। ये देखिए, तो हमारी चाट बिल्कुल रेडी है। इस तरीके से इस चाट की रेसिपी को आप जरूर ट्राई करें। अगली बार मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।